इस महान जोड़ मेले ते तुहाडा हजारां दा इकट्ठ है। ये उन्हां दी इबादत है, बंदगी है, जिस कारण तुसीं इत्थे आउंदे हो। मन दीआं मुरादां पूरीआं हुंदीआं ने, क्योंकि गुरु परमेशर साधां दी सुणदा बड़ी नेड़े हो के भगत मुखै ते बोलदे से वचन होवंदे। साधु संत गुरु रहबर अकाल पुरख नूं जो वचन कर देण वो झट पार हो जांदा है। ये महापुरशां दी कमाई बोलदी है और ये सुचेत हुंदी है। लुकाई भी साधुआं दी संगत वाला नजात पाउंदा है, तां ही साधुआं दे दर ते भीड़ उमड़दी है, इकट्ठ हुंदे ने। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। और ऐसियां मुक्त रूहां जो परोपकार हित दुनिया ते आउंदियां ने, वो आप मुक्त ने, उन्हां दे संगी भी मुक्त हुंदे ने। एक इंग्लिश दा टीकाकार लिखदा है, ये मैं तां तुहाडे नाल सांझ पावां। कई बार ये तर्क हुंदा लै, मान लिया भी एक साध ने बंदगी कीती है, दूजियां नूं किदां नाल तार सकदा है। ये संप्रदायी विद्वान भावना विच वह के वधा चढ़ा के कथा करदे ने, ये कटाश कीता जांदा है। आपां एक इंग्लिश दे टीकाकार तों ही पुछदे हैं भी ऐसे साध जिहड़े मुक्त ने, की इस अजमत दे मालक ने भी होरां नूं भी मुक्त कर सकदे ने। तो इस पाक अल्फाज दे बाणी दे अर्थों करदे ने, द सेंट ही हिमसैल्फ इज लिबरेटेड, संत आप मुक्त है, जेड़ा उहदा संगी होवेगा ही लिबरेट्स द यूनीवर्स। इस ब्रह्मांड अंदर जेड़ा उहदी संगत करेगा, वह रोगां सोगां तो भवसागर तो तारी ला जाएगा, तर जाएगा। एक उदाहरण तुहानूं दवां भी, एक तराक हुंदा है, वो दरियाओं पार लंघ जाता है, पर काबलीयत इतनी नहीं है भी दो चार संगियां नूं पार लै जावे। जे दो चार उन्हूं चंबड़ गए तो उन्हूं भी नाल लै बहिंदे ने, तराक भी डुब जाता है। एक उह है जिहनूं तरना ही नहीं आउंदा, उहदा ते खुरा खोज मिटना ही मिटना है। संसारी आम लोग संसार सागर नूं जो तर नहीं पाउंदे, विकारां दीआं छलां च डुब गए। एक उह ने जिन्ना इन्ना अभ्यास कर लिया, उन्होंने आप नूं तरना आ गया। एक उह ने जेड़े मलाह हो निबड़े, आप ते नजात पाउण गए, बेड़ी दे मलाह दी न्याई पूर दा पूर ही बने लै जाणगे। महापुरशां दी ये महानता है, आप ते पार लगदे ही ने, संगी साथी भी उन्हां दे नजात हासिल करदे ने, मुक्ति हासिल करदे ने। और ऐसिआं महापुरशां नूं सदा नमस्कार, गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने नमस्कारां ही हुंदियां ने, उन्हां दी सदा वडियाई ही दुनिया दे उत्ते रहिंदी है।